हरियाणा में लंबे समय से पत्रकारों को पेंशन देने की मांग को गुरुवार को सरकार ने पूरा कर दिया। सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर प्रदेश में पत्रकारों के लिए पेंशन योजना लागू की गई। इसके लिए पंचकुला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 60 साल से ऊपर के पत्रकारों को पेंशन चेक वितरित किए। कार्यक्रम में सरकार के 3 साल के कार्यकाल पर बनी एक शॉर्ट फिल्म बेमिसाल 3 साल भी दिखाई गई। पत्रकार बंधुओं से कुछ वायदे किए थे, उनकी जो घोषणाएं पूरी हुई हैं उसके बारे में ही आज मुख्य रूप से चर्चा हो। तो हम लोगों ने जैसा पेंशन का विषय है उसको पूरा किया है, इसी प्रकार जो एक एक्रीडिटेशन का विषय उसको भी हमने पूरा कर दिया। सब डिवीजन लेवल के जो पत्रकार हैं उनका सबका 5 जिला केंद्रों पर जो हमारे मीडिया सेंटर्स बनने थे वो बन गए हैं। बाकी जिलों में अभी एक प्रकार से निर्माण जिसको कहना चाहिए अंडर प्रोसेस है कि वहां भी कोई 2-2 कमरे का एक मीडिया सेंटर आप लोगों के लिए ये बनवा दिया जाए। इसी प्रकार जो कैशलेस मेडिकल व्यवस्था है वो भी बहुत जल्दी, मुझे लगता है फाइल आजकल में कंप्लीट होकर के वो फाइनल हो जाएगी, और जो अपना हरियाणा का अगला हरियाणा दिवस 1 नवंबर तक वो आप लोगों तक वो सुविधा भी पहुंच जाएगी। सरकार के 3 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जनहित में काम करना और विकास हमारी प्राथमिकता है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, SYL का मामला हमने सुलझा दिया है और परिणाम जल्द सामने आएगा। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमने केंद्र और प्रदेश की कई योजनाएं चलाई हैं और समाज और प्रदेश को बदलने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि अब से हर महीने एक नया सुधार नामक मंच से हम बताएंगे कि आगे कौन से नए सुधार होने वाले हैं। बर्थडे के मौके पर सरकार पूरे जोश में है और जमकर अपनी उपलब्धियां गिना रही है। आने वाले 2 सालों में सरकार का ये जोश प्रदेश के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा ये देखना अभी बाकी है।